शहीद विंग कमांडर साहिल गांधी को नामांकन से दी गई अंतिम विदाई। बेंगलुरु में विमान हादसे के दौरान शहीद हुए विंग कमांडर साहिल गांधी का पार्थिव शरीर आज हिसार के एयरपोर्ट पहुंचा, जिसके बाद हिसार के सेक्टर 16-17 के शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ शहीद साहिल का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर हिसार के विधायक डॉ. कमल गुप्ता, सांसद दुष्यंत चौटाला, एयरफोर्स व प्रशासनिक अधिकारी सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। फायरिंग टॉलेट हटाइए, अब इधर से हटाइए पीछे की ओर। सड़क के लिए आवाज़ें कारतूस भर। न केवल हिसार बल्कि पूरा हरियाणा गौरव महसूस करता है और अफसोस भी करता है। हमारे देश का जवान, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पिता, जो सीमाओं के प्रहरी हैं और सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अनेक प्रकार की प्रैक्टिस भी उनको करनी पड़ती है और जान को जोखिम में डालकर वो ये सब काम उत्साह से करते हैं। ऐसे में हमारे हिसार के ही एक बेटे साहिल गांधी जी एयर शो की प्रैक्टिस के दौरान परमपिता की इच्छा अनुसार ये अपनी जीवन यात्रा पूरी करके वैकुंठ धाम को गए। मैं अपनी ओर से और हिसार का विधायक होने के नाते हिसार के जनजन की ओर से और स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मुझे यहाँ, हालांकि विधानसभा का सेशन चल रहा था तो स्पेशली मुझे भेजा, उनकी तरफ से हरियाणा सरकार की ओर से, पूरे हरियाणा की जनता की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, पुष्पांजलि देता हूँ और पूरे परिवार को ऐसा साहस मिले कि वो अपनी और संतानों को भी इस तरह से फौज में भेजकर देश की सेवा का काम करें, ऐसी शक्ति की मंगल कामना करते हुए मेरी श्रद्धांजलि। घटना में हमारे बीच से चले गए देश के लिए काम करने वाले ऐसे नौजवानों को सत सत नमन। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला हिसार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जैसा भारत देश की संस्कृति है, इस दुख की घड़ी में पूरा देश परिवार के साथ खड़ा है। आज विंग कमांडर साहिल गांधी जी जो हमारे राष्ट्र के लिए शहीद कहूँगा मैं, तो आज सुरक्षा के लिए जो उन्होंने शहादत दी, हिसार शहर हमेशा उनको याद रखेगा और हिसार मैनेजमेंट की तरफ से आज अभी बैठे बैठे जी वहाँ बना रहा था कि इनके नाम से हम किसी सड़क का या चौक का नामकरण करेंगे ताकि हमेशा हिसार वैसी इनकी शहादत को भूले नहीं और हिसार शहर और पूरा देश आज नम है और पूरे हिसार वासियों की तरफ से मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। थैंक यू।